हिंदू धर्म पूरी तरह से संस्कृति और परंपराओं के ऊपर निर्भर है। हिंदू धर्म में कई ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और उनका पालन वो लोग आज भी करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं प्राचीन परंपराओं की वजह से भारत पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। हिंदू धर्म की कुछ प्राचीन परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व भी है, जबकि बहुत कम ही लोग हैं जो इसके वैज्ञानिक महत्वों के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक रूढ़िवादी परंपरा के तौर पर देखते हैं। उन्हीं में से एक है हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाओं का सिंदूर लगाना। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सिंदूर लगाने को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इससे संबंधित कई बातों का जिक्र भी किया गया है, जिनका पालन करने पर महिलाओं के साथ उनके परिवार को काफी लाभ मिलता है। जो महिलाएं इनका पालन नहीं करती हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर महिलाएं सही तरीके से अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो इससे नकारात्मक शक्ति भी दूर रहती है। इससे घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ पति की उम्र भी लंबी होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सिंदूर लगाते समय महिलाओं को शास्त्रों में बताई गई बातों को मानना चाहिए। ऐसा ना करने पर महिलाओं के पतियों को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पति की उम्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आज हम आपको सिंदूर लगाते समय ध्यान रखने वाली बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि सिंदूर लगाते समय प्रत्येक महिला को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, भूल कर भी शादीशुदा महिला किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में ना भरें, ये अशुभ माना जाता है। इससे पति को धन संबंधी हानि का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से ही सिंदूर खरीदना चाहिए। किसी दूसरी महिला के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति या महिला आपको उपहार में सिंदूर देती है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे भी अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं धर्म शास्त्रों की इन बातों का पालन करती हैं, उनके जीवन में और उनके पति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। इसके उल्टा जो महिलाएं धर्म शास्त्रों की इन बातों को मजाक समझकर ऐसा नहीं करती हैं, उनके जीवन में परेशानियों का आना शुरू हो जाता है और उनका जीवन दुखों से भर जाता है। ये सभी बातें एक महान ज्योतिषाचार्य के अनुसार बताई गई हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन बातों पर यकीन ना हो या किसी तरह की शंका हो तो वो किसी दूसरे ज्योतिषी से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।